हरियाणा के सोनीपत से भी श्याम सुंदर शर्मा ने वहां जाकर बेटी को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने इस बेटी को अपनी धर्म की बहन भी माना है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो यह तस्वीरें देख रहे हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से सामने आ रही है। यहाँ एक होनहार बेटी की खुशियाँ देखी जा रही है। सब खुशी से नाच रहे हैं। यह शादी वास्तव में ही काफी परंपराओं को दर्शाती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि समुन्दर के बीच में इस टापू पर यह शादी हो रही है, तो सजावट भी अच्छे से की जा रही है। वनवासी कल्याण आश्रम पोर्ट ब्लेयर के संचालक का क्या कहना है, अब आप यह भी सुन लीजिए। गुलाबी का बहुत छोटा एज में उनका पिताजी का देहांत हो गया था, थोड़ा ही दिन में उनका माताजी का भी देहांत हुआ था। वहाँ उस गांव में लिमिया बे करके एक गांव है, वो गांव में हमारा वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता लोग थे। वो लोग सोचे, अरे इस अनाथ लड़की को आश्रम में भेजना है ऐसा करके, तो आश्रम कार्यकर्ता लोगों को समाचार दिए। आश्रम कार्यकर्ता लोग वहाँ जाके गांव वालों से सबसे बातचीत करके इस लड़की को लाके आश्रम में रखे हैं। उसी समय में ही स्कूल में ज्वाइन करे, डिग्री पढ़ाए हैं, कॉलेज में पढ़ाए हैं, उसमें भी फिजिकल एजुकेशन स्पेशलाइजेशन लिया है, और उसके बाद मेन लैंड भेज के एमपेड करवाए हैं आश्रम में। थोड़े नागपुर के यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमपेड पूरा करा है, तो उसका पूरा देखभाल पूरा आश्रम करे हैं। तो एमपेड पूरा होने के बाद फिर वापस अंडमान आए हैं। अंडमान में हम लोग एक स्कूल में बात करके स्कूल में एक टीचर के नाते अभी काम कर रहे हैं। तो एक संबंध आया, उसको संबंध कायम करके ये शादी अच्छा से अच्छा शादी हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सोमयाजुलु जी ये शादी के लिए ही आया है, शादी का व्यवस्था देखना सब कुछ एकदम अच्छा से शादी करना है ऐसा करके यही काम पे आए हैं। और हरियाणा के सोनीपत जिले के पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, सुखवीर सैनी, ये हमारा बेटी का शादी में आए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। बेटी के प्यार को देखते हुए ही दोनों पत्रकार इतने दूर से शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर आए हैं, पहुँचे हैं, और अच्छा ये सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम से बहुत बहुत धन्यवाद। शादी में रौनक देखते ही बनती है। हरियाणा के सोनीपत स्थित खरखोदा से भी पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने भी यहाँ इस होनहार बेटी की शादी में शिरकत की और हर संभव सहयोग भी उन्होंने दिया। इस दौरान उनका क्या कहना है, अब आप यह भी सुन लीजिए। यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, और यहाँ पर एक बहन गुलाबी की शादी है, और जो भी इस शादी समारोह के अंदर ज़रूरत का सामान है वो इस बहन को दिया जा रहा है। और जब हम यहाँ पर रुके तो हमें इस बहन के बारे में, जीवन के बारे में पता चला, और तभी से हमने इसे अपनी धर्म बहन बना लिया था। तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस खुशी के मौके पर हम पहुँचे हैं, और मैंने वादा भी किया है कि भविष्य में जो भी ज़रूरत होगी इस बहन की पूरी की जाएगी। श्याम सुंदर शर्मा पत्रकार ने बहुत अच्छा कर दिखाया है, हर तरफ उसकी सराहना हो रही है। इस आश्रम में बेटी रहती है, काफी वर्ष पहले उसके माता पिता का देहांत हो गया था, अब सबने उसे पढ़ाया लिखाया और रोजगार भी दिलाया, अब शादी भी हो रही है, तो खुशियां भी अनोखी हैं।
राजेश खत्री, पोर्ट ब्लेयर, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह।